there. And also he gave a beautiful outline about how to make resources for a good cause, or to generate resources so that we can build worthy causes. Normally we say worthy causes do not have adequate financial support, but he says if you present properly, there is a lot of money available for building good institutions. Thank you so much. Thank you so much. Now I call upon Shri Rajendra Singh ji, who is has become a legend in his own lifetime and is hailed as the Bhagirath. Other day Pejavar Swamiji told so beautifully, Bhagirath brought water from the skies to earth, but Rajendra Singh brought water from the earth up. You know, he is the reverse phenomenon. He did remarkably well. Sir, to you for the next 20 minutes. Thank you. Kannad ka pyara hai kinara, angreziyat ka khatra hai hamara. Hindi ka hoon main dulara. मुझे अंग्रेजी समझ में आती है, मैं अंग्रेजी को समझता हूँ, लेकिन अंग्रेजी दिमाग की एक्सरसाइज कराती है और दिमागी एक्सरसाइज हमारे हाथ को और हमारे दिल को छोटा करती है। यदि हम दिमागी एक्सरसाइज को छोड़ दें, हाथ की एक्सरसाइज और दिल की एक्सरसाइज ज्यादा करें, तो हमारी आत्मा का पोषण होता है और ये पोषण हमेशा हमें अपनी जगह से, अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से मिलता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं कन्नड़ के शब्द मुझे थोड़ा कभी कभी मुश्किल होते हैं, पर मुझे कभी मुश्किल नहीं होती कि जब मेरे सामने कोई कन्नड़ में बात कर रहा हो और मैं उसको समझता ना हूं, मैं उसकी सेंस समझ लेता हूं। इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए कि कन्नड़ में मैं बोल नहीं पाऊंगा, अंग्रेजी मुझे बोलनी नहीं है, तो मैं अपनी बात हिंदी में आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान का जो ज्ञान तंत्र है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उसमें संवेदना और समझ, इसका योग होता है। मुझे पानी का काम करना नहीं आता था। मैंने आयुर्वेद पढ़ा था, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी था। जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के गांव गया तो मैंने दवाई का काम शुरू किया, क्योंकि वो मुझे आती थी करनी, सेहत ठीक रखनी थी। लोग माइग्रेट हो गए थे, उजड़ गए थे गांव, और स्कूल थे नहीं, तो पढ़ाई का काम शुरू किया। एक दिन एक बूढ़े किसान ने आके मुझसे कहा कि राजेंद्र भाई, आ दवाई आ पढ़ाई तो बाजार की चीज है। आपको समझ में आया, ये एजुकेशन और हेल्थ ये तो मार्केट की चीज है, बाजार की चीज है। उस जमाने तक, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब ये बाजार का इतना कब्जा होगा एजुकेशन पर, ये मेरे तो आउट ऑफ द इमेजिनेशन था, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था और वहां से पढ़ के आया था, तो ये एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन उस वक्त मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मालूम नहीं ना को समझ में आता था। उसने कहा, आ दवाई आ पढ़ाई तो मारे कहने पीसा होला ना, तो बाजार से ले आवेला। माने तो पानी चाहिए, पानी, पानी के कारण उजड़ा है। दोस्तों, मैं पानी का, आई एम नॉट ए वाटर इंजीनियर, आई एम नॉट ए वाटर, मुझे कुछ पानी का कुछ भी आता नहीं था भाई, तुम्हारा पानी वाली मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन उस आदमी ने मेरे दिमाग पर जो पढ़ाई की धूल मिट्टी जमी थी, उस पढ़ाई की धूल मिट्टी को झाड़ दिया, साफ कर दिया। उसके झटके के साथ मैं पानी का काम करने लग गया। बिना पढ़ाई के पानी का काम किया, कैसे किया? नेक्स्ट देखो, ये एक स्लाइड है जैसलमेर की।
इसमें नीचे हाथी और ऊपर घोड़ा है, जरा मुझे देख के बताओ कि उस इंजीनियर ने जिसको हाथी और घोड़ा बनाया ये क्यों बनाया था? ये 700 साल पहले का है, 700 ईयर ओल्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर नहीं है। तब तक आईआईटी और ये इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, तब तक गुरुकुल की इंजीनियरिंग थी। तो ये स्ट्रक्चर गुरुकुल की इंजीनियरिंग से बना है। इस इंजीनियरिंग के अंदर सेंस है समाज की। इस इंजीनियरिंग में समाज कैसे अपने पानी को देखता है वो है। उस जमाने में आंकड़े, ये इनके जो मीटर वीटर सब होते हैं ना, सेंटीमीटर, हाथ, इंच, सब कुछ नहीं था। तो क्या था? जानवर था। हाथी को पहचानते थे, घोड़े को भी पहचानते थे। तो उन्होंने जब पानी यहां आता है ना, यहां पर इसके पैरों में, हाथी के पैरों में जब पानी आता है तो वहां अनाउंसमेंट होता है, पानी हाथी के पैरों में आ गया। इसका मतलब वन ईयर रिजर्व वाटर उनके पास आ गया। माय डियर, ये थी ट्रांसपेरेंसी पानी की 700 साल पहले हिंदुस्तान की। सबको पता था कि एक साल का पानी उनके गढ़सीसर तालाब में आ गया। अभी तुम्हारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी को बताती है कि उनके पास सरफेस पर कितना पानी है, सब सरफेस पर कितना है, अंडरग्राउंड कितना है, डीप अंडरग्राउंड कितना है, किसी को पता है? इस हॉल में बैठे हुए आदमी को, किसी इंजीनियर को मालूम है? बट उस जमाने में इस जैसलमेर शहर में रहने वाले हर आदमी को मालूम था कि उनके पास कितना पानी है और उस पानी को कैसे यूज करना है। जब आपको यह मालूम हो कि आपके पास कितना रिसोर्स है तो आप उसके बारे में अपने कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं, और जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो नीडर होते हैं, वो निर्भय होते हैं, और जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता उसकी लाइफ में फियर होता है, डर होता है। जो डिसिप्लिन लाइफ है वो ही फियरलेस लाइफ होती है, जिस लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता वो तो बस डर से दबी रहती है, भयभीत रहती है। तो उन लोगों को मालूम था कि उनके पास कम पानी है, और उस वक्त की इंजीनियरिंग, हमारे यहां राजस्थान में 5 साल से बड़ा ड्राउट नहीं होता था। हमारे यहां ड्राउट होता था लेकिन केवल 5 साल का, 5 साल का ड्राउट हो तो उन्होंने अपनी वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी का स्रोत था उसको 5 साल के ड्राउट को ध्यान में रख के प्लान किया था। जब हाथी का पैर डूबता है तो 1 साल का पानी होता है, जब हाथी डूबता है तो 2 साल का पानी होता है, जब घोड़े के पैरों में पानी आता है तो 3 साल का पानी होता है, जब घोड़े की छाती पर पानी आता है तो 4 साल का पानी होता है, और जब घोड़ा डूब जाता है तो 5 साल का पानी होता है। तो ये था प्लानिंग, ये था मैनेजमेंट, ये थी इंजीनियरिंग, जिस इंजीनियरिंग को हमारे देश का अनपढ़ आदमी समझता था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उस इंजीनियरिंग को हमारा राजस्थान का अनपढ़ आदमी भी समझता था। उस इंजीनियरिंग में सारा जो भी कुछ रिसोर्स यूज होता था वो लोकल था, सब वो दूर से ट्रांसपोर्ट करके कोई चीज नहीं लाते थे। हिंदुस्तान की जो शिक्षा है उस शिक्षा का एक बहुत बड़ा गुण है, उसको समझ लो, वो जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करती है, और जो जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करने वाली शिक्षा होती है वो पोषण करने वाली होती है, पोषक होती है, वो पोषण करती है हमारे दिल का, हमारे दिमाग का और हमारे हाथ का, तीनों को। अभी सिंगल साहब कह रहे थे ना कि दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, इन तीनों को पोषण करने वाली जो शिक्षा है उस शिक्षा का जो जो भी कुछ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में सेंटर था वो था कि जो भी जियो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका रेस्पेक्ट हो। इसलिए उस रेस्पेक्ट के कारण हम जो भी कुछ प्लान करते थे उस जमाने में, इंजीनियरिंग का, पानी का, नेचर के साथ रिश्तों का, वो नेचर की डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके प्लानिंग होता था। और हमारी इंजीनियरिंग में जियो कल्चरल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करके प्लानिंग होती थी भारत की इंजीनियरिंग में। लेकिन जब से ये विदेशी शिक्षा में बने हुए इंजीनियर हैं उन्होंने हमारी
नीचे की जो शिक्षा थी इंजीनियरिंग की उसको बदनाम करना शुरू किया। कैसे किया? हमारे ऊपर राज करने वाले जो लोग थे, पहले वो मुगल थे और फिर अंग्रेज थे। इन अंग्रेजों के देश में जो पानी इकट्ठा होता है उसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। इसलिए स्टैग्नेंट वाटर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा जो राजस्थान का स्टैग्नेंट वाटर है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सूरज की किरणें और हवा का वेग और मिट्टी का स्पर्श, ये तीनों फैक्टर उसको मिलकर उस पानी की प्रोसेस करते हैं, शुद्धि करते रहते हैं, और उसको हम कहते हैं पालरा पानी। पालरा पानी निर्मल पानी, निर्मल पानी जीवन पानी। ये जो निर्मल पानी है ये हमारा जीवन का पानी है। तो ये अब अंग्रेज ने हमारे पानी के सारे सिस्टम को बहुत बदनाम किया और उसको बदनाम करके उसने अपनी इंजीनियरिंग इसमें डाल दी। तुम इसमें देखो, ये जो सारा ऑपरेशन है कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेशन, क्या होता था? राजा हमें पानी की काम के लिए जमीन देता था, महाजन पानी के काम के लिए पैसा देता था, हमारे व्यापार की आचार संहिता में 10वां हिस्सा धर्मादे का केवल पानी पर खर्च होता था, और उस पानी को, पानी का काम करने के लिए जनता अपना पसीना देती थी। तो एक तरह से कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और उसका यूज करने का सारा सिस्टम वो कम्युनिटी ड्रिवन था। हमारा समुदाय उसको संचालन करता था, और कम्युनिटी जब संचालन करती थी तो उसको उसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप, उसकी जो ओनरशिप है उसको अंदर से लगती रहती थी। इसलिए वो किसी से पानी के लिए लड़ने को तैयार होता था, पानी को कोई गंदा नहीं करने देता था, पानी के जितने भी डिसिप्लिन थे वो सब उनको बनाता था। फिर क्या हुआ, अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद उन्होंने पानी का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की, पाइपलाइन से हमें सबको पानी पिलाने की, पाइप और ये वो, और पानी का मालिक बनने की कोशिश की। तो हमारे राजस्थान के लोगों ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास भगवान का, हम पर भगवान बहुत गुस्सा करता है। गुस्सा समझते हो? एंगरनेस ऑफ द गॉड, एंगरनेस ऑफ द नेचर। ये जो एंगरनेस ऑफ द नेचर है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम हमारे पानी के हाथ उत मत लगाइए, पानी का काम हम अपने आप कर लेंगे, हमें तुम पानी तुम्हारा नहीं पीना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने जो भी तालाब थे, जो भी हमारे झालरे थे, बावड़ी थे, इन सब का एक तरह से अपना मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया हुआ था। उस मैनेजमेंट के सिस्टम के कारण हम लोग अपने पानी के काम को करते थे। और इसमें एक तरह से देखें तो ये जो मैनेजमेंट का बाउंड्री था वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी, वो जियो और कल्चरल बेस्ड थी। कल्चर जो है वो आदमी का हिस्सा होती है, और जो जियो है वो नेचर का हिस्सा होती है। तो नेचर और आदमी, इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी, इन रिश्तों को ठीक रखने वाला जो समझ थी, जो ज्ञान थी, उस ज्ञान की रेस्पेक्ट के कारण हम लोग दुनिया के कभी भी गुरु रहे हूं।